रोशनी कर देना। पहला क्वेश्चन दिया गया है इन आंसर्स लिस्ट एंगल एबीसी। एबीसी एक आइसोसेलेस एंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है। ओके तो गिवन है, बात नहीं करो, एबी इज इक्वल टू एसी एंड बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर, इनके एंगल बाइसेक्टर आपस में कहां मिलते हैं? ओ पर, ओ पर मिलते हैं, सही है, ज्वाइन होए। तो इसका मतलब क्या दिया गया है कि बीओ किसका बाइसेक्टर है? बीओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और सीओ किसका बाइसेक्टर है? एंगल सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ओबी इज इक्वल्स टू ओसी, ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि ओबी इज इक्वल्स टू ओसी। चलो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, शुरुआत होगी। अब देखो इसका प्रूफ, ये मुझे बताओ कि क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है? क्यों इक्वल है? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल सेम नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। अच्छा ये बताइए कि हाफ एंगल बी क्या हाफ एंगल सी के इक्वल होगा? ऐसा हो सकता है हाफ ऑफ द इक्वल साइड इक्वल, तो इसका मतलब है हाफ एंगल बी जो है वो ओबीसी है, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसे क्या लिख सकती हो हाफ एंगल बी को? बोलो ओबीसी। और बताओ हाफ एंगल सी को क्या लिख सकती है? ओ सी बी। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर्स, तो हाफ की जगह में एक एक सेलेक्ट कर लिया, हाफ है ना, तो हाफ के लिए मैंने क्या किया, पहले हाफ किया फिर उसकी जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि तो बाइसेक्टर। तो क्या लिखा जा सकता है कि ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये है। अब देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल पाए गए, कौन कौन से, ये और ये, एक ओबीसी और ओसी, तो बोलो कौन सी साइड इक्वल होंगी? ओबी एंड ओसी, क्योंकि ओबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, इसके सामने वाली बताओ, अपोजिट वाली ओसी, ओसी और ओसीबी के सामने वाली कौन सी, उसके सामने ओबी, ओबी। तो ये क्यों इक्वल होंगी भावेन सर? क्योंकि यहाँ क्या लिखे हैं सर? एंगल, एंगल यहाँ क्या लिखे हैं? एंगल अपोजिट क्या लिखे हैं सर? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड साइन, ये क्या है बोलो, साइड, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, जब साइड हो तो लिखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, जब एंगल हो तो क्या लिखोगी? एंगल अपोजिट टू देखो इक्वल साइड्स, निकाल समझ आ गई। अब हम लोग अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं, इन दोनों, इन दोनों को जस्ट इन कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ कर सकते? क्राइटेरिया बता दो, बाकी तो तुमसे पूछ लें। एंगल एबीओ, एबीओ एंड ट्रायंगल एसीओ, कौन सा क्राइटेरिया? करेक्ट, आप एएसएस, तो कोई होते ही ना, इन्हीं का ही ठीक है, ASS तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ट्रिपल एस भी तो सर, ट्रिपल एस इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाया नहीं है, इन्हीं का ही सबसे सही बैठ एस, ये एंगल ले लेंगे और ये अभी हमने प्रूफ किया है, ASS बैठ जाएंगे, ASS तो हम लोगों का नहीं है ना क्राइटेरिया, जैसे पढ़ाई देख लो सर, एग्जाम में यूज कर सकते हैं ASS, हैं एग्जाम में ट्रिपल एस यूज कर सकते हैं, एग्जाम में जैसे देखो फिर से समझो आदित्य आपके लिए ट्रिपल एस कैसे यूज होगा, दो लोगों ने एक एंगल लिया 60 डिग्री लिया
पहला एंगल हो गया, इस साइड की कोई अभी लेंथ नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए निष्का ने 4 सेंटीमीटर किया, तो हर्षिता ने भी कितना कर दिया। अब निष्का ने क्या किया, बोला कि 5 को फिल करो, कंपास लगाया, एक कार्क लगाओ। हर्षिता ने भी कहा ठीक है हम भी लगा देते हैं। तो ये 5 के लिए निष्का ने यहाँ मिलाया, जबकि हर्षिता ने कहाँ मिलाया। तो बोलो क्या आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट पाती हैं। बोलो जो आर्क होता है वो तो किसी एक ही पॉइंट पे लगा। आर्क एक पॉइंट पे नहीं, ये भी लेंथ 5 ही है। जब आप कहीं पर भी कोई आप कंपास भर लिया, तो वो क्या एक ही जगह कट करेगा, वो टच तो नहीं करेगा, दो जगह कट करेगा, इसीलिए ASS क्राइटेरियन। समझ आई बात की नहीं। ASS इज नॉट क्राइटेरियन। इनकी बात अब तो जस्टिन से ही पूछ रहे, बोलो इन टाइम। सर ए बी एंड ए सी आर इक्वल। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा क्यों है सर। गिवन अगला बोलिए सर, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। तो तुम कैसे ऐसे कैसे लगाओगे, ए बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबव। यस सर, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दैट इज एक और बोलो सर, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। अभी ये नहीं लिख सकते, अभी ये नहीं लिख सकते, सीधा नहीं लिख सकते, यही चीज फिर से लिखनी पड़ेगी, तब जाके हम ये पा पाए। फिर हाफ की जगह अभी जैसे मैंने ओ बी सी लिखा था, तुम उस हाफ की जगह ये लिख देना, और उधर जब हाफ करोगे तो लिख देना, तो एक पढ़ो सही है। तो बताओ क्या लिखें सर। हाफ अभी नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। इसका रीजन तो आप लिख ही लोगे, हम क्या लिखें इसका रीजन, वाई बी इज इक्वल टू सी। चलिए तो गिवन ऐसा, मतलब वो एंगल अपोजिट टू सेम राइट, इक्वल साइड, इक्वल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल बी तो करने जा रहे हैं पहले से हम, कैसे चलिए तीनों क्राइटेरिया मीट करेंगे तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो तो क्या लिखे बताइए, ओ बी एंड ओ सी आर bisectors of angle B and angle C respectively, ठीक है। OB तथा OC भुजाएं कोण B और C की क्रमशः समद्विभाजक हैं, उनको बांट रही हैं। आगे की बात बताओ सर। By SAS criteria, by SAS congruency rule या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सर बताइए, ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ए सी ओ, ऐसा हो सकता है कि ठीक बता रहे हैं आप, बताओ। कॉन्ग्रुएंसी इक्वल कुछ नहीं होता है ए सी ओ। अगली लाइन बताओ, बाई सी पी सी टी OB is equal to, अगली चीज देखो अर्षिता, AO bisects angle B, तो सेकंड हमें प्रूफ करना है। सर पहले बार इसका प्रूफ किया, सर वो OB पहले की चार्ट है, सर पहले ही प्रूफ कर दिया है। क्या सर OC equals to OB का सर, सर वहाँ पे वो नहीं होगा सर, इसका मतलब है OBC, ये तो पहला प्रूफ हो ही गया ना सर, तो ये फिर और में लिखो सर, यहाँ पे लिखना है AO is bisector, ये सेकंड, ये और मेथड है। ये कौन सा मेथड है,
यही चीज है, पहले निकल गया मगर ऐसा करना है तो ऐसे करो फिर, लेकिन हम इसका यूज कर सकेंगे, हम तो नहीं कर सकेंगे, ये पूरा गलत हो गया। इतने में ही बात पूरी हो गई, तो अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से कॉन्ग्रुएंट की जरूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट में, क्योंकि अब इसी से तो हम प्रूफ कर पाएंगे। इससे क्या प्रूफ कर लेंगे बताओ, एंगल BAO, BAO किसके इक्वल हो गया, देखो यहीं से BAO एंगल CAO, सो दिस इंप्लाइज अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया है तो इससे हर्षदा क्या इंप्लाई होता है, AO AO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को, तो AO बाइसेक्ट्स एंगल ये, तो ये सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AO bisects एंगल A, तो इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC का, दिस इज AB और ये BC है, तो ये परपेंडिकुलर आना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का यहाँ क्या मतलब है, तो बाइसेक्टर मतलब ये दोनों को डिवाइड कर, किसको 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 किसको, सर ABD को और ACD, बाइसेक्टर का क्या मतलब है, किसको किसको बाइसेक्टर क्या मतलब है, AD इज इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कौन कौन से भाई, किन किन को, लाइन BC को, जो लाइन सेगमेंट है BC, लाइन को ट्रायंगल पे थोड़े ना कर देगा, अगर वो इस साइड का बाइसेक्टर है, जब कहा जाए सिर्फ बाइसेक्टर बोला जाए तो साइड का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर बोला जाए तो एंगल का, सिर्फ बाइसेक्टर बोल दिया जाए तो परपेंडिकुलर भी है और साथ में क्या होगा, जैसे तुमने पिछले सवाल में जब ये चैप्टर शुरू किया तो एल लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ AB बोला गया था कि नहीं, परपेंडिकुलर दूसरा सवाल, तो वो इस लाइन का बाइसेक्टर, वैसे यहाँ पर इट इज बाइसेक्टर, इतनी बात तो हो गई, ठीक है। तो गिवन में स्नेहा क्या क्या लिखें बताओ, बोलो आप बताओ मान्या, perpendicular to BC, सिर्फ इतना लिखो, आगे क्या लिखो, sir, to prove, नहीं given में और बताओ, sir, BD is equal to BAD is equal to CD, सही, BD is equal to CD, ये भी है क्या, yes, sir. ये तो show करना है, sir, angle ADB is equal to angle ADC. So AB is equal to AC. अब इसे प्रूफ कराइए। अगर ये कर लेंगे तो सिस हो जाए। हाँ बोलो अभिषेक। In triangle ABD. ABD. कौन सा क्राइटेरिया लगाने जा रहे हैं, लगाओ BD is equal to CD, अगला एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री गिवन, अगला बोलिए, अर्पित बोलो, ये ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, इनकी बात सही है लेकिन ये तीसरी चीज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये भी दोनों में कॉमन है, तो एस ए एस एस ए एस है नहीं, एस तो ए डी इज इक्वल टू ए डी दैट इज कॉमन, तो बाई एस ए एस
congruency rule. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. You have to wait. Justin, every line below. So, bisecticity rule. Bisecticity. Line AB is equals to line AC. Is equals to AC. So, triangle ABC is isosceles. ये दोनों सवाल प्रतीक हैं। अगर AB is equal to AC है, तो isosceles हो गया। इसमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये isosceles ट्रायंगल तो कौन सी दो साइड्स इक्वल है। तो जो जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरता हो और बाइसेक्टर हो जाता हो उसके एडजेसेंट वाली आपस में ये नहीं तो कोई पूछेगा कौन सी दो इक्वल है तो जिस वर्टेक्स से गिर रहा है बेस पर उसके आसपास वाली को ये बात ये बताया जा रहा है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें इस अगर इन एंगल से एल्टीट्यूड डाला जाए तो वे भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं। पिछले सवाल में क्या देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सामने वाले से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो बाइसेक्टर भी होगा वो एंगल भी बाइसेक्टर होगा साइड बाइसेक्टर भी होगा आइसोसेलेस। अब क्या देखने जा रहे हैं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे ये हम देखने जा रहे हैं। अब जरा देखो इसमें ही दो अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं एक तो ये बन गया और एक इधर भी बनेगा वो बन गया। सो दीज आर द टू ट्रायंगल तो मैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल को अदिति लेता हूं दैट इज इन ठीक है ओके और हमारे पास इन ट्रायंगल बीईसी अगर हम BEC में तो दूसरा कौन सा लें CFP बताओ CFP BEC तो CFB बिल्कुल उसी तरह से ले रहा हूँ BEC तो CFB ऑर्डर हो जाना चाहिए ना एंड ट्रायंगल CFB तो अदिति मुझे ये बताओ आप क्या क्राइटेरिया इसमें लगाने जा रहे हैं इसी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने इसमें एल्टीट्यूड गिवन है कि BE क्या है BE इज परपेंडिकुलर टू AC और CF क्या है इज परपेंडिकुलर टू AB इतना गिवन S AS यहाँ तो कोई दो S मुझे नहीं दिख रहा है आपको कौन कौन से दो S दिख रहे हैं एक तो साइड चलो कॉमन ले लोगी सर एक 90 डिग्री भी है और सर
वो प्रूफ करेंगे अभी प्रूफ नहीं किया उसको ले लो बाइसेक्टर है अभी से बता कौन सा क्राइटेरिया लो ऐसे स्मयं आप बोलो ये सही अभी पूरा कर ले जाएंगे चल इन्होंने बताया कि क्राइटेरिया कौन सा लेंगी एक तो 90 डिग्री है ई सी बी और एक इन्होंने ऐसा ट्रायंगल लिया इधर वाला उसमें भी बेस तो वही है बेस क्या है बी सी एफ और ये 90 डिग्री अब बताओ यही दो चीज है देखो एक इधर बना दिया किधर बना अलग अलग बना दिया आप बताओ माने ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन ए बी कहां है यहां ए बी है ही नहीं वो ये भी जो दिया नहीं उसको ले रहे हो भी क्या आदित्य बताओ तो एंगल BFC is equal to angle CEB BFC यहाँ पे लेना चाहते हो BFC तो नहीं ले सकते हो और कुछ लोग BEC जो यहाँ एंगल BEC angle है ना BEC is equal to angle CFB angle BEC is equal to angle CFB CFB by each 90 degree और given और बताओ एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल एंगल बी सी ई यानी आप इस एंगल की बात कर रहे हो सर वो किसके इक्वल है देखो कैसे चल रहे हो क्या बी सी एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ सी बी एफ तो सी बी एफ यानी इसकी बात कर रहे होगे ऐसा क्यों है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंगल्स आल्सो इक्वल अपोजिट जो दिया हुआ है जो पूछा जा रहा है दीदी उसको तुम कैसे यूज कर सकती तो पूछा जा रहा है अब बताओ इसी को यूज कर लेंगे कौन सी लगती है समझ अभी पता चलेगा एक और चीज बताओ अभी इसी क्वेश्चन से हम समझाते हैं BC is equal to CB that is BC is equal to CB BC is equal to CB BC is equal to CB common तो यहाँ क्या हो गया बताओ ये शायद इसके इक्वल हो गई सही है yes. हमें इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज चाहिए पहले पता करो वो तीन चीज है क्या क्या तो तीन चीज में एक तो एंगल है ये इक्वल नहीं है ये तो हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड तो प्रूव करना है इक्वल नहीं है जो टू प्रूव है वो तुम्हें दिया थोड़ी ना वो तो प्रूव करना है तो तुम्हारे पास अभी तक एक एक एंगल आया एक एंगल एक ये और एक ये इक्वल है अच्छा ये बताओ क्या ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये पूरा एंगल जो इस ग्रीन वाले में बन रहा है और जो ये पर्पल में बन रहा है ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है तो ऐसा इन्होंने लिखवा दिया है दैट इज एंगल अपोजिट टू तो एक एंगल भी इक्वल हो गया और क्या कोई साइड भी कॉमन है तो अब इन तीनों से क्राइटेरिया सोचो पहले देखो है क्या क्या दिया जो दिया है वो किस ऑर्डर में है चेक करो ए ए एस क्या ए ए एस कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है तो आप उसको लगा और कुछ नहीं पहले सबको इकट्ठा कर लो अब वो इस ऑर्डर देख लो और भी ज्यादा चीजें दी हो तो दो तीन तरीके क्राइटेरिया लग जाएंगे ठीक है तो क्या लिखेंगे भाई अब बोलो निष्ठा आगे का तो बताओ ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल एंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल सी एफ बी और कुछ पूछा गया है क्या पूछा गया आगे बढ़ो क्या बाई सी पी सी पी पी ई इज इक्वल टू सी एफ एंस प्रूव चलिए अगला सवाल देखें इसमें आदर्शस भी लगा सकते हैं आदर्शस लगा सकते हैं लेकिन दो साइड कहाँ दी है दो साइड की नहीं दी सर नहीं सर राइट एंगल भी और बी सी सर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो और एक और साइड कहाँ है सर और सी और हम बी एफ निकाल लें तो सर कहाँ से निकालें सर वो तो हो जाएगा सर ए बी और ए सी हमें सर दो साइड कहाँ है बताओ सर ये दोनों सर इक्वल है ए बी और ए सी और सर हम उसे निकाल लें सर बी एफ और सी इक्वल है सर ऐसे बोलेंगे दो साइड नहीं निकाल पाएंगे अगर तुम सोचो कि ये ट्रायंगल ले लेंगे
तो भी मान लो ये मैं ये ले लूँ, ये कहने इधर वाला ले लूँ, नीचे का नाम दो दो ऑप्शन है ना, मान लो अगर मैं ये और ये ले लूँ तो भी मेरे पास एक साइड होती है और फिर एक ही एंगल हो जाएगा। देख लो इनका भी अच्छा तरीका है, दूसरा भी तरीका बताए कि अगर मान लो आप ऊपर ऊपर वाले ले लें तो भी क्या कुछ बात बन जाए, एक ये ले लो तो आप बताइए दूसरा तरीका ट्रायंगल, बोलो कौन कौन सा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, अब बताओ तीन चीज जो जी गए उसे बता दो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बोलो हर्षिता स्मार्ट हो, ए बी गिवन अच्छी बात कर रही हो, और बोलो हाफ थोड़ी ना है वो तो परपेंडिकुलर जा रहा है, हाफ हाफ है सर, कॉमन लिखे लिखा जाएगा, कॉमन लिखा जाएगा, कॉमन लिखे कॉमन। और बोलो एक चीज और बताओ जस्टिन सर, हाँ ना सर, ए एफ और ए ई बना गया, बोलो सर ए एफ और ए ई इक्वल होगा, नो पर अल्टीट्यूड अपने मन से नहीं को, आप बोलो एंगल ए ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, एंगल ए एफ सी एफ सी ए एफ सी इधर लिखो, ए एफ सी एफ सी इधर क्या लिखोगे, ए ई बी ऐसा क्यों है, बीच 90 डिग्री गिवन। अच्छा अब इसका ऑर्डर देखो, बात समझ आ गई, तीन चीज मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक दूसरा एंगल मिल गया और एक साइड, तो इससे कौन कौन सा ऑर्डर बन रहा है जरा बनाओ, बोलो बस ऐसे ही करना होता जो ढूंढ ढूंढ के जो दिया है, तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, हाँ बोलो ना। अब देखो तो ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए सी एफ, तो बाई सी पी सी टी क्या हो गया, बी ई किसके इक्वल हो गया, आई बात समझ में, कई तरीके होते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच बी ई एंड सी एफ, अब उल्टी बात कह रहा है, बोल रहा है कि एल्टीट्यूड इक्वल हो, इसी का उल्टा दे दिया, खेल खिलवा रहा है, एल्टीट्यूड इक्वल है तो आइसोसेलीस है, पहले कह रहा आइसोसेलीस है तो एल्टीट्यूड इक्वल, अब क्या कह रहा, हमको क्या लेना देना, तीन चीज हमें चाहिए, हमको चौथी चीज चाहिए ही नहीं, तीन चीज मिल गई हमको, यही सवाल बना लो, समझ आई बात की नहीं। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया बताओ, कि एल्टीट्यूड इस बार एक बार दे रहा है, तो एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड है और क्या इसकी लेंथ इसके एक बार है, सही है, तो गिवन है कि ए बी सी, और देखना अभी तुम्हारे सामने हम अभिषेक से इसको प्रूव करवाते हैं, ये पूरा कर देगा। सो गिवन क्या है, दैट इज बी ई इज इक्वल टू सी एफ, और कुछ दिया ही नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड भी दिया है, एल्टीट्यूड का मतलब है बी इसके पर परपेंडिकुलर है, बताओ नहीं दिया, वो तो प्रूव करना है, अगर एल्टीट्यूड इक्वल है तो वो आइसोसेलीस ट्रायंगल है, आपको एल्टीट्यूड दे रहा है, बी किसका एल्टीट्यूड है, सिर्फ क्वेश्चन में तो लिखा है ए सी इज इक्वल टू ए बी इक्वल, बी इक्वल ऐसे हो जाएंगे सवाल में, फ्रेमिंग पढ़ो ना, ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल,
देन देयर साइड्स विल बी इक्वल. प्रूव इट. यदि किसी के एल्टीट्यूड इक्वल हैं तो ये सिद्ध करो उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी समान होंगी. एल्टीट्यूड को उस पर डाले गए लंब अगर समान हैं तो उनकी ऊंचाइयां भी समान होंगी. बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखो इतनी बात हो गई. नाउ टू प्रूफ आना. इसमें प्रूफ क्या करना है? अच्छा दोनों ही करा लेते हैं तो वो ठीक है. ए बी देखो उसी से आ जाएगा. ऊपर ऊपर कर ले लो. पहला पार्ट क्या करा दे बताओ? ट्रायंगल एक साइड. ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ. अभिषेक को करो. ऊपर वाले नहीं है देखो जो ऊपर के इसमें थे ना रेड और स्काई ब्लू वही लेना. इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ बताओ. बी ई इज इक्वल टू सी एफ क्यों? गिवन. और ए बी सी ए बी ई इक्वल टू ए सी एल बी. निखिल बताओ इन्होंने एक एंगल इस ट्रायंगल का एक ट्रायंगल इसके इक्वल कर दिया. और बताओ ये साइड इक्वल कर दिए ये इसके इक्वल. दो ट्रायंगल लिए गए हैं एक तो ये ले दिया गया है और एक कौन सा लिया गया है? इन दोनों में एक साइड इक्वल कर दी गई है. बोलो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ईच 90 डिग्री. और बोलो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन. अब इनको ऑर्डर में ले लो कि किस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं. ए ए एस आगे की नहीं तुमको सो बाई AAS congruency rule that is triangle ABE is congruent to triangle ACF. अब इसका second part क्या है? तो वो तो CPCT से ही है. AB is equals to AC तो proof by CPCT AB is equals to सर जो सेकंड क्वेश्चन है सर वो एक थ्योरम है. इसका हर क्वेश्चन ही थ्योरम समझ ये सब भी थ्योरम ही बोल दो सवाल ही थ्योरम बन गई दूसरे डिफरेंट. अब जरा देखिए कि हमको ये बताया गया है कि मान लीजिए ये एल्टीट्यूड है और क्या दिया गया बताओ? ए बी ई ये इक्वल है और दूसरी तरफ क्या बताया जा रहा है? यही वाली साइड है लेकिन इस बार इधर से एल्टीट्यूड पड़ा और ये इक्वल है. ये एंगल किसके इक्वल है? अच्छा और कुछ दिया ही नहीं है. कह रहा एंगल तो इक्वल होगा ना. एंगल कॉमन है तो इक्वल हो जाएगा. अब इन दोनों में दैट इज ए एफ सी
क्या आपको लगता है कि इन दोनों में ए ए एस क्राइटेरिया लग सकता है? तो लगा दीजिए, क्योंकि एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है और एक कॉमन, यही लगा जाएगा। आपको सिर्फ दोनों को अलग अलग रख के देखना है, वही चीज सही। तो एग्जाम में ऐसा हम अलग ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हो, जब उसी को अलग ड्रॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में कहा गया है कि एबीसी एंड डीबीसी ये दो अलग अलग आइसोसेलेस एंगल है, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, यानी ये इसके इक्वल है, दैट इज एबीसी। एबीसी भी आइसोसेलेस, डीबीसी भी आइसोसेलेस। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी डी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। गिवन क्या है? That is AB is equals to AC और BD is equals to CD. To prove कि एंगल B is equals to या एंगल ABD, पूरा एंगल ये किसके इक्वल है? ACB. अगर मान लीजिए इन दोनों एंगल्स को 1 और 2 मान लिया जाए, इसे 3 और 4, तो आप मुझे बताइए हर्षिता कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या इक्वल है? साइज नहीं है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज। अब जैसे 1 के अपोजिट कौन सा है? एसी। और 2 के अपोजिट? अच्छा ये मुझे बताइए कि 3 और 4 क्यों इक्वल हैं? इक्वल साइज। तो 3 के अपोजिट क्या है? सी डी। और 4 के अपोजिट डी डी। यदि इनको जोड़ दिया जाए, इक्वल साइज रिजल्ट टू इक्वल देन द रिजल्टेंट साइज इक्वल, तो बताओ क्या 1 + 3 2 + 4 के इक्वल होगा? लेकिन 1 + 3 क्या है? क्या यही ए बी डी है? इसकी जगह क्या लिखोगे? फिर 2 + 4 की जगह क्या लिखोगे? ACD है इसको। तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सवाल करना, ऐसे नहीं करोगे तो फिर मान लीजिए एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, ऐसा तो दिया ही नहीं है। जरा फिर एंगल 4 एंगल 1 के फोर माने 1 2 के इक्वल है। और 3 4 के मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री के इक्वल है और ये 30 30 के इक्वल है, तो कहीं कहीं का सम इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस है ना, इस वजह से नीचे वाला आइसोसेलेस तो ये एंगल इसके इक्वल, ऊपर वाला आइसोसेलेस तो ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ये इसका इक्वल प्लस इक्वल इज इक्वल टू इक्वल प्लस इक्वल। मान लीजिए 5 5 के इक्वल और 2 2 के इक्वल, तो जोड़ने पे 7 7 के इक्वल। अगर ऐसा ना करना चाहो तो भाविन का मेथड चलेगा। भाविन ने कहा कि सर इसको मिला लो और फिर ट्रिपल एस लगा देते हैं, कहते हैं देख लो, बोले ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ट्रिपल एस हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल। तुमको जो मेथड हो चला सकती हो कभी चला लो, बहुत देर से कह रहे हैं सर ट्रिपल एस लगा लो, कोई नहीं देख रहा, हम नहीं लगा रहे, ये आएगा तो लगा लेंगे, यानी तो कितना आसान है ट्रिपल एस हो तो पहला सवाल हमारा बहुत आसान हो जाता, आने के हम इंतजार कर रहे थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करो। है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी, और बी ए को प्रोड्यूस करो। अभिषेक बी ए को क्या करो? इतना बढ़ाओ कि वो किसके इक्वल हो जाए? बी के। इसको इतना बढ़ा दीजिए कि वो ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, और फिर जहाँ पे ये इक्वल हो जाए तो फिर इसको मिला भी दो, देन जॉइन, इसको जॉइन कर दो ऐसा। नाउ गिवन ए बी तो ए सी के इक्वल है ही है, लेकिन ए बी और किसके इक्वल है?
क्या वो AD के भी इक्वल है? इतनी बात ही नहीं। अब देखो अगर ऐसा दिया गया है तो क्या एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा? यस सर। और एंगल थ्री किसके इक्वल होगा? एंगल फोर के। समझ में आएगा। अच्छा टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी कितना है। ठीक है समझो। अगर तुम ऐसा नहीं समझ पाती हो तो ये बोलो क्या ये दोनों x होंगे और ये दोनों क्या होंगे y। इतना तो समझ गई ना। और इस पूरे ट्रायंगल में क्या एक एंगल ये है और एक एंगल ये और एक एंगल ये है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी is equals to angle ADC, it is equals to X. ऐसा क्यों है? That is angles opposite to equal sides. भाई ये दोनों angle equal क्यों हैं? That is angles opposite to equal sides. इसी तरीके से इसमें भी जरा देखो ABC, ACD, ACD की क्यों equal है? ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी और इसको वाई लिखा जा सकता है क्या? इतनी बात समझ आई? अच्छा बताओ पूरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल डी बी सी तो एक तो एंगल डी ले लो, एक एंगल क्या ले लो बी ले लो और एक क्या ले लो बी सी डी। दैट इज बी सी डी। इन तीनों का सम क्या होगा इस पूरे में? ये इसको सोचो ही मत किए, कुछ भी मत सोचो। तो ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू कितनी है? बी की देखो जरा एक्स है इसकी और इसकी बताओ एक्स प्लस वाई। भाई जो बी सी डी है वो क्या एक्स प्लस वाई पूरा है ना। तो ये कितना हुआ? तो क्या 2x plus 2y 180 हो गया? यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो x plus y कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन x plus y ही तो बी सी डी है। एज प्रूफ। बोल बात समझ में आ गई? ये तरीका ठीक लगा? चलो अगला सवाल देखो। सेवेंथ में कहा गया है ए बी सी राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है। किस पर राइट एंगल है? क्या बी पर? सो दिस इज राइट एंगल एट बी। तो आपको ये प्रूव करना है तो बी पे नहीं ए पे है तो एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी ए पे ले लो राइट एंगल ए बी इस पर। चलो और क्या दिया है? ए बी किसके इक्वल है? ए सी। तो फाइंड बी एंड सी। तो क्या इन दोनों को हम एक्स ले सकते हैं? देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। क्यों होंगे एक्स? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अब मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इनका सम क्या होगा? और ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा जहां पर ए कितना है बी एक्स है और सी भी एक्स है तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 2x की वैल्यू 90 आ गई तो x की कितनी आ जाएगी 45। तो लेकिन x क्या है? क्या यही b है और यही c है? एंड सॉल्व। बोलो बात समझ आएगी फिर से बता देंगे। ओके ए तो देखो कह रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है तो हर एंगल पता करो। ये बताओ ये दोनों x और x क्यों होंगे? वो भी एक्स होगा।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स ऐसा क्यों है? लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये मुझे बताओ कि ये x है तो ये x क्यों है? ये और ये x क्यों है बताओ? फिर वही, क्योंकि तीनों ही साइड है जब इक्वल होगी। तो लिखोगे एंगल c इज इक्वल टू एंगल है वो भी x है, ऐसा क्यों है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। लेकिन एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c ये चीज हो जाएगी 180 डिग्री। इट इज ड्यू टू a एस बी। अगला स्टेप बताओ हर्षिता। x प्लस x प्लस x इज 180 डिग्री। अगला स्टेप 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180। सो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्या ऐसा ही पूछा गया? देखो सो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इतना ही रखो।